लेक्चर 15 क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का। लेक्चर नंबर 15 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में हमें फाइंड करना है कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 27 की पावर एक्स माइनस 9 की पावर एक्स माइनस 3 की पावर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स से इसका लिमिट फाइंड करना है। अगर यहाँ लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 पुट कर दें तो ये 0/0 आएगा और ये अनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इसको रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज करते हैं तो ये होगा कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 एंड यहाँ पे देखिए जो 27 है वो थ्री क्यूब के इक्वल होता है और 9 जो है वो थ्री स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 27x जो है वो 3 की पावर 3x होगा और 9 की पावर एक्स वो 3 की पावर 2x के इक्वल होगा। तो इसको रिप्लेस करते हैं 27x को 3 की पावर 3x से रिप्लेस करते हैं और माइनस 9x को 3 की पावर 2x माइनस 3 की पावर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स होगा। और इसको रेशनलाइज करना है तो मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स इक्वल होगा एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई कर दे तो ये होगा लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0। यहाँ से देखिए इन दोनों में से 3 की पावर 2x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि जो 3 की पावर 3x है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर x लिख सकते हैं। तो जो 3 की पावर 3x है ये 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर x है। तो 3 की पावर 2x इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो ये 3 की पावर 2x इंटू यहाँ बच जाएगा 3 की पावर एक्स माइनस 1 एंड यहाँ से देखिए माइनस 1 कॉमन ले तो ये 3 की पावर एक्स माइनस 1 होगा और डिवाइड बाय इसको रेशनलाइज किया ये होगा 2 माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स होगा इंटू को तो मल्टीप्लाई कर दें तो ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स के ऊपर। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। मजीद सिंप्लीफाई किया तो ये होगा लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0। तो यहाँ से देखिए 3 की पावर एक्स माइनस 1 इन दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं। 3 की पावर एक्स माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 2 एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स बच जाएगा एंड डिवाइड बाई ये क्या होगा ये 2 माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स होगा। और यहाँ पे जब हम हाफ एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो जो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स हुआ हाफ एंगल आइडेंटिटी में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज किया तो ये होगा 2 साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 के इक्वल। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे अगेन लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 होगा और ये 3 की पावर एक्स माइनस 1 अगेन देखिए ये 3 की पावर 2x तो 3 की पावर 2x
टू एक्स माइनस वन, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर x² माइनस 1 स्क्वेयर। तो ये देखिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बनेगा, और इसको जब हम ओपन करते हैं ये होगा 3 की पावर x - 1 एंड 3 की पावर x + 1। तो इस वैल्यू को इधर पुट कर दें, ये होगा 3 की पावर x - 1 एंड 3 की पावर x + 1 मल्टीप्लाई बाई √x, √2 है यहाँ पे, तो यह होगा √2 + √1 + cos(x) एंड डिवाइड बाई 2 sin²(x/2) होगा। इसमें देखें अगेन जब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से 0/0 की फॉर्म में आ जाएगा, तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कि कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास रूल यही थे कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच 0 sin(x/x = 1) होता, ये हमारे पास एक रूल है। और दूसरा रूल है कि लिमिट ऑफ x जो है वो होता था ln(a/b) होता था। अगर यहाँ b की जगह 1 हो, अगर b = 1 हो तो ये क्या होता था कि लिमिट ऑफ x = 0 ax - 1/(x) जो है वो इक्वल टू होता था ln(a) के ऊपर। तो हम यही फार्मूला बनाते हैं यहाँ से। यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x² करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x² या x² से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो जो इक्वेशन है वो बनेगी लिमिट ऑफ x = 0 x² / x² (3 की पावर x - 1) एंड 3 की पावर x - 1 * 3 की पावर x + 1 √2 था, सॉरी इधर होता था √1 cos(x) डिवाइड बाय, ये बन रहा था कि 2 sin²(x) डिवाइड बाय 2 के पड़ा। अच्छा तो इसको क्या करना है, अभी दोबारा इसको देखे जो 3x - 1, इसको ये फार्मूला बना देना कि ax - 1/(x) के फॉर्म में, तो a की जगह 3 है, तो 1x को क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, 1x को इससे डिवाइड करना है। तो जब हम इसमें अप्लाई करते हैं तो ये होगा कि लिमिट ऑफ x = 0, एक्स स्क्वेयर है ना, है तो 1x को इसके साथ डिवाइड कर दे, 1x को इसके साथ डिवाइड कर देना है, ये 1 जो ये एक्स स्क्वेयर है ना इसी को इसमें ऑपरेट कर देना है, 1/1 ये एक्स स्क्वेयर है ना ये इसके भी डिवाइड में जाएगा, तो ये इसके साथ जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x - 1/(x) * 3x - 1/(x) * 3x + 1 कैसे पढ़ना है? इंटू √2 + √1 + cos(x) डिवाइड बाय, और ये इससे भी डिवाइड में जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 आ गया। और इसमें देखिए इसमें sin(x/x) की फॉर्म बनाना है, तो x जो है वो आपके पास क्या है, x जो है वो यहाँ पे x/2 है और इसका स्क्वेयर है, साइन का स्क्वेयर है, तो हमें x
स्क्वायर बाई फोर लाना है, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ से आ गया था डिवाइड में, तो ये हो गया कि साइन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू डिवाइड बाई, अभी यहाँ साइन स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर में आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फोर होना चाहिए। जब ये डिवाइड बाई फोर किया तो ये मल्टीप्लाई बाई फोर भी करना है साथ साथ, कर दिया तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा होगा के पास साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई टू अपॉन एक्स डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर होगा। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दे, ये साइन थीटा अपॉन थीटा बनेगा और ये 1 थीटा। तो अभी देखिए इसमें लिमिट अप्लाई कर देना, लिमिट अप्लाई किया तो लिमिट क्या होगा, इसमें अलग अप्लाई होगा और इसमें अलग अप्लाई होगा, लिमिट ऑफ एक्स अपॉन टू 0 इसमें अलग अप्लाई होगा, इसमें अलग से अप्लाई होगा बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट, और इसमें अलग से लिमिट अप्लाई होगा। तो लिमिट अप्लाई हुआ तो ये देखिए ए एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स जो था वो एल एन ऑफ ए के इक्वल होता था लिमिट, तो ये एल एन ऑफ लिमिट नहीं, ये एल एन ऑफ 3 होगा और ये भी आपके पास एल एन ऑफ 3 होगा। और इसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे जब लिमिट एक्स एक्स अपॉन टू 0 पुट करते हैं तो ये 2 आएगा, और जब इसमें पुट करते हैं तो ये अंडर रूट 2 आएगा, प्लस का भी अंडर रूट 2 आएगा एंड डिवाइड बाई तो मैं बता रहा हूँ ये 2 है या आपके पास अंडर रूट 2 है, और ये साथ साथ आएगा डिवाइड बाय। इसमें जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखिए जो लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये 2 1 2 2 2 4, तो ये आपके पास 1 डिवाइड बाय 2 होगा और ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो मजे सिंपलीफाई करते हैं तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 ये 2 अंडर रूट 2 आएगा, और ये भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 एल एन ऑफ की स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एल एन ऑफ 3 मल्टीप्लाई एल एन ऑफ 3 एल एन ऑफ की स्क्वायर आता है, तो ये इसका लिमिट आएगा। और इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में लिखा है कि आपने लिमिट फाइंड करनी है एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 3 की पावर एक्स प्लस 1 माइनस 5 की पावर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 3 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स। तो इसको हम मजीद सिंपलीफाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 3 की पावर एक्स डॉट 3 3 की पावर एक्स प्लस 1 जो है वो 3 डॉट 3 की पावर एक्स होगा माइनस 5 की पावर एक्स प्लस 1 5 डॉट 5 की पावर एक्स होगा डिवाइड बाय 3 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स होगा। अभी यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम जो है ना वो 5 की पावर एक्स को कॉमन निकाल, 5 की पावर एक्स को हम कॉमन क्यों निकाले, 3 की पावर एक्स को कॉमन क्यों नहीं निकाले, क्योंकि देखिए जब हम 3 की पावर एक्स को कॉमन निकालेंगे ये 3 डिवाइड बाई 5 होगा और ये ग्रेटर देन 1 होगा, इसकी पावर एक्स करते हैं और लिमिट एक्स अपॉन इन्फिनिटी करते हैं तो ये डाइवर्ट होगा, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ आप लोग सॉरी ये 5 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो इस तरह होगा, अगर 3 डिवाइड बाई 5 करते हैं ये लेस देन 1 होगा, उसकी पावर एक्स करते हैं कोई भी सिक्वेंस है आपके पास और लेस देन 1 है और वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 को अप्रोच करेगा और इससे कोई रिजल्ट मिल सकता है। तो यहाँ से देखिए 5 की पावर एक्स अगर कॉमन लिया तो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी इंटू 3 डॉट 3 एक्स, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ ना सिंप्लीफाई करके, ये 3 डिवाइड बाई 5 की पावर एक्स होगा, क्योंकि ये 3x डिवाइड बाई 5x होता है और एक्स को हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन लिया तो ये 3 बाई 5x होगा और माइनस है 5 बाई 5 होगा, तो ये 5 डॉट 5 की पावर x को हमने डिवाइड किया है क्या, तो ये हमारे पास 5 डॉट 1 होगा एंड डिवाइड बाय, इसमें भी देखेंगे 3 डिवाइड बाय 5 की पावर x होगा और -1 होगा, तो इसमें लिमिट अप्लाई कर, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो 3 डिवाइड बाय 5 जो है वो लेस देन 1 है और लिमिट और इधर भी 5 की पावर x कॉमन लिया था, कॉमन लिया तो 5 की पावर x के साथ कट जाएगा और जो लिमिट ऑफ 3 डिवाइड बाई 5 है वो लेस देन 1 है, तो उसकी पावर इन्फिनिटी करते हैं तो ये 0 को अप्रोच करता है और ये पूरी टर्म 0 होगी और यहाँ पे होगा वो इसका लिमिट 5.1 है, 5 का लिमिट जो है वो 5 ही होगा।
डिवाइड बाय, इसमें भी आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये लेस देन 1 हो गया, आपको अप्रोच टू 0 करेगा, तो ये 0 माइनस 1 होगा, विच इज इक्वल टू 5, इसका लिमिट होगा। इसके बाद देखें हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में आपको फाइंड करना है लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 साइन ऑफ ई की पावर साइन ऑफ एक्स कॉमन लेते हैं, ई की पावर साइन ऑफ एक्स कॉमन लिया तो ये होगा ई की पावर एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स होगा। तो ये टर्म देखिए हमारे पास एक वो बनेगी, एक सीक्वेंस बनेगा हमारे पास कौन सा, जैसे हमारे इसमें हमने ई की पावर एक्स कॉमन क्यों लिया, इसको कॉमन लेने से ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है, फार्मूला था लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स करते हैं तो ये एल एन ऑफ ए के इक्वल होता था, जो ऊपर क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, तो इस तरह से ये एल एन ऑफ ए होता था। तो यहाँ देखो ये पूरा ए है हमारे पास, एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इसको एक्स कंसीडर करें, ठीक है, तो यहाँ भी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स को आप एक्स कंसीडर करें, तो ये क्या ये फार्मूला बनता है कि नहीं, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ये वाला फार्मूला बनता है ना, होता है तो ये एल एन ऑफ ए के इक्वल होगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि लिमिट इसमें अप्लाई कर दें तो ये ई की पावर 0 होगा साइन ऑफ 0 और ये एल एन ऑफ ई के इक्वल, तो विच इज इक्वल टू ई की पावर 0 1 होता है, एल एन ऑफ ई भी 1 होता है, तो विच इज इक्वल टू 1 इसका लिमिट। इसके बाद देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 13, ये बहुत सिंपल है, इसमें लिखा है कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी थ्री की पावर एक्स साइन ऑफ 4/3 की पावर एक्स, ये हमने डिस्कस करना है। तो इसके लिए देखें कि यहाँ से जनरली हम ये बात वो कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है इस तरह से कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स हो तो ये इज इक्वल टू 1 होता, तो ये 1 के इक्वल होता था। इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं तो ये बनता है लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू, ये तो इन्फिनिटी है, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच इन्फिनिटी है, इसको जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना करते हैं तो ये इस तरह बनता है कि इससे ये भी एक फार्मूला है कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स होता है ना, इसका हमने फार्मूला बनाना है। अभी ये देखिए लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स हो तो ये 1 होता है, लेकिन एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स हो तो ये 1 नहीं होता है, इससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। इसको हम क्या करते हैं, अभी जो 1/x है ना इसको हम y में चेंज करते हैं, x को हम रिप्लेस करते हैं 1/y में, ठीक है, x को 1/y में रिप्लेस किया तो y इज इक्वल टू 1/x होगा, और x अप्रोच टू इन्फिनिटी है तो y अप्रोच टू क्या होगा, जब हम x की जगह इन्फिनिटी लिखते हैं इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं तो एक्स 1/y की इक्वल है, तो ये वाई जो है वो अप्रोच करेगा 0 को, क्योंकि वाई 1/x के इक्वल है ना, ये एक्स अप्रोच इन्फिनिटी करेगा तो वाई 0 को अप्रोच करेगा, और इस सीक्वेंस को हम दोबारा री राइट इस तरह कर सकते हैं कि लिमिट ऑफ वाई अप्रोच टू 0 वाई साइन ऑफ 1/y के फॉर्म में लिख सकते, इस तरह से लिख सकते। तो देखें ये लिमिट वाई अप्रोच टू 0 वाई साइन ऑफ 1/y जो है वो 0 के इक्वल होता है, हमें पहले इस सीक्वेंस को थोड़ा एक फॉर्म में बना देते हैं, इस फॉर्म में बनाने के लिए इसको लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी कहते हैं, और इसमें देखें साइन ऑफ 4/3 की पावर एक्स है, ये पूरा एक्स है, तो हमें डिवाइड में एक्स लाना है, डिवाइड में एक्स लाने के लिए क्या करना होगा, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स लाना है, एक्स लाने के लिए 1/3 एक्स तो पहले से मौजूद था,
ये 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ में यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं ना, 1/3x कर सकते हैं, तो ये इसके डिवाइड में जाएगा। तो अभी यहाँ थीटा में 4 भी है, तो 4 को आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है, कर दिया। तो ये पूरा देखिए यहाँ से ये साइन ऑफ एक्स 5x बन गया। अभी यहाँ पे आपने रिप्लेस करना है, रिप्लेस क्या करना है, 4/3 की पावर x जो है वो उसको आपने y नाम देना है, y नाम दिया, तो ये y के इक्वल हो गया। y के इक्वल हुआ तो लिमिट ऑफ x अप्रोच इंफिनिटी होता है, तो 4/3 की पावर x जो है वो y इज इक्वल टू 4/3 की पावर x अप्रोच करेगा 0 को, ये 0 को अप्रोच करेगा। और इसको आप री राइट करते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालें, 4 इंटू लिमिट ऑफ वाई अप्रोच टू 0, ये 4/3 की पावर xy है, तो ये वाई होगा इंटू साइन ऑफ 1/y के इक्वल। तो इसमें डायरेक्ट आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये होगा 4 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0 के।